हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी एक नोटिस आया है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और हमें पता है कि जो हमारा आयोग है और गवर्नमेंट है, आने वाले विधानसभा चुनाव के कारण जो हमारे एग्ज़ाम है वो जुलाई और अगस्त में करवाने की पॉसिबिलिटी है। उसी को लेकर जो नोटिस आया है, जो कि सेक्रेटरी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया है, और उनसे ये बोला गया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी प्रोसेस है, और रिपोर्ट मांगी गई है स्कूल कॉलेजेस से कि भाई आपके वहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, ताकि हम भी एक आइडिया लगा सकें कि कितने कैंडिडेट बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में और कितने वहाँ पे सीटिंग है। एक बात और कि जुलाई और अगस्त में आने वाले जो भी सैटरडे और संडे होगा, हर सैटरडे और संडे एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे वहाँ पे मेंशन है, आप नोटिस पढ़ सकते हैं। अदरवाइज नोटिस में यही सब लिखा है जो मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो 5 दिनों के अंदर अंदर ये ब्योरा मांगा गया है, ये डिटेल मांगी गई है कि भाई आप हमें बता दीजिए आपके स्कूल में कितनी कैपेसिटी है, कॉलेज में कितनी है, सिटिंग का जो अरेंजमेंट है वो आप हमें लिस्ट भेज दीजिए अपने अपने स्कूल कॉलेजेस की, ताकि हम जो है वो अपने एग्ज़ाम को एक स्टेबिलिटी दे पाएँ कि भाई हम यहाँ यहाँ पे सेंटर डालने वाले हैं। और द मेन थिंग इज़ कि हाँ, आने वाले जुलाई और अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लास्ट ऑफ द जुलाई एंड फुल अगस्त ये एग्ज़ाम में ही जाएगा। सो गाइज, दिस इज़ द न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट विच इज़ गोइंग ऑन एंड रिगार्डिंग द CET। और ये आपका CET मेन्स का एग्ज़ाम होगा, जो कि कोर्ट के सोशो इकोनॉमिक क्रिटेरिया के आधार पर जो 5 नंबर मिलते थे उनको हटाए जाने के बाद और पूरा रिजल्ट क्वेश होने के बाद दोबारा से री एग्ज़ाम जो होने हैं उनसे रिलेटेड। आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।